मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्प्रिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है, तो मेरे में भी था। मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से, वो चार पांच थे, उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्स फुल्ली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई बचा, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इन्विटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने कहीं ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। मेरा मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम करता था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीज़ें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊँ। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे उठा, बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा, तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम, जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं, दिखाई तो नहीं लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहाँ पे कि सर, जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने, इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी मैं, उस चीज़ को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, जब भी मैं जब जब बोलती हूँ तब तब मैं वो चीज़ें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर, एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने मैं एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर देख, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आ रहे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं, एक व्हील चेयर या बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगा जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, वो सिस्टम की इतनी इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज़ सोच ले कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया, वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप, इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग, एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरे, मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था।
मुझे लगता कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी सुना। आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूँ, चाहे जितना चीज़ें मैं बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने वो, ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरे परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले मैम ने, फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया, लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अरुणिमा प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टम्प एकदम रेड रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहाँ पे, हर कोई ये बोलता कि एक एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊँगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे, खुशी होती थी। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए, शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है दूसरे में, रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सब ने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं, ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं, हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला, नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1-2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था, तो मैं वहाँ पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लिमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए, बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज़ मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं, और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये पला ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है,